महारानी का जादूगर का तो गठबंधन है, गठबंधन है। पांच साल तुम कर लो, पांच साल मैं कर लूं। उनके दोनों कोई बेटे हैं, इधर तो वैभव गहलोत, उधर दुष्यंत सिंह, दोनों के पार्टनरशिप में बिजनेस चलते हैं। मैं 36 कौम के द्वारा ही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे बोली जात है, सबसे विश्वास करने वाली बोली जात वो है गुजर जात। वो पायलट साहब गुजर साहब है, तो बस उनका फायदा वो उठा रहे हैं, तो अब कब तक उठा लेंगे वो? अंधी बहरी गूंगी दिल्ली को याद दिलाने के लिए हम भरी दोपहर में जा रहे हैं जयपुर। कहाँ आला कमान है ही नहीं, आला कमान बीजेपी में है। हाथों हाथ फैसला लेती है, हाथों हाथ प्रदेश अध्यक्ष बदल। कुछ नहीं करेंगे रधावा साहब, यहाँ से सूटकेस लेके जाते हैं और मैडम को देख के आते हैं। इनका बस कौन मैडम? सोनिया। सोनिया मैडम को देखे, सब कुछ सिस्टम सेट है। इसके अलावा कुछ नहीं है, आला कमान कांग्रेस में कुछ नहीं है सिर्फ सूटकेस के अलावा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम अजमेर में है। जन संघर्ष यात्रा जो सचिन पायलट की चल रही है वो फिलहाल अपने रास्ते में है और यहाँ पर लोग विश्राम करने रुके हुए हैं, मतलब सचिन पायलट के साथ में और तमाम लोग जो उनके समर्थक हैं वो रुके हुए हैं। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं, लोग खाना पीना खा के थोड़ा बहुत आराम कर रहे थे। हमने प्रयास करा कि थोड़ी बातचीत की जाए। क्या कह रहे? पार्टी के लोग ही पार्टी को खत्म कर रहे हैं। तो अगर पायलट साहब नहीं होते ना तो सपना देखना ही गुनाह था कांग्रेस का, सपना देखना भी गुनाह था। और अगर पायलट साहब अगर दूसरी पार्टी बना लेते हैं राजस्थान में 11 जून को, अगर पायलट साहब पार्टी बना लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा राजस्थान में, त्रिकोणीय मुकाबला। बात कही आपने, अलग जादूगर उसकी कितनी हड्डियां लगा दे, वो रिपीट नहीं करता सरकार को, कर नहीं सकता है वो। रिपीट करेंगे तो पायलट साहब भी करेंगे, रिपीट करेंगे तो पायलट साहब भी करेंगे। और त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा तो सचिन जी पायलट साहब के द्वारा ही बनेगा, वरना हिंदुस्तान में कोई शक्ति पैदा नहीं हुई है जो सरकार को रिपीट करा दे। कोई जादू नहीं चलने वाला, कोई टोना नहीं चलने वाला। इतनी गर्मी में क्या जादू क्या टोना चल रहा है? इतनी गर्मी के अंदर, इतनी गर्मी में क्या जादू क्या टोना चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। वो आंखें खुल जाए हाईकमान की तो ठीक है, नहीं तो भविष्य के अंदर कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा राजस्थान में। क्या आपको इस बात की उम्मीदें नजर आ रही है कि जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, जिसने संघर्ष किया पायलट साहब के साथ मिलकर के, जो आप बात कहते हैं 2014 से 18 के बीच में, 13 से 18 के बीच में जो संघर्ष किया जिसने जमीन पर, क्या वो अब इतना नाराज हो चुका है सरकार से या वर्तमान व्यवस्था से कि वो पायलट साहब अगर रास्ता अलग अख्तियार करते हैं तो उनके पीछे पीछे एक नई शक्ति की पीछे चल जाएगा? देखो पायलट साहब की जो नीति है ना, पायलट साहब की नीति कहते हैं ना चाणक्य। अगर हिंदुस्तान में चाणक्य है तो वो पायलट साहब है, उनके नीचे है बाकी के सारे चाणक्य। सरकार को कैसे लाया जाता है, बूथ बूथ पर कार्यकर्ताओं को कैसे काम दिया जाता है और कैसे वोट लिया जाता है, वो पायलट साहब में हुनर है। बाकी का अमित शाह है मेरी नजरों में जीरो है, नरेंद्र मोदी है जीरो है, जो भी है पायलट साहब है। जादूगर तो बिल्कुल ही खत्म है। वो जादू तोड़ना सीखा है वो पायलट साहब की वजह से सीखा है। और वो उन पर जादू करना सीखेगा क्या? पायलट साहब को हर एक दिल में बसे हुए हैं, वो उनके दिल में कहां से निकालेंगे? वो दिलों में से कहां से निकालेंगे? बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा तो पायलट साहब की वजह से बनेगा। तो जो इतना संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सरकार महसूस कर रही है इस बात को, आपकी इस आवाज को सुन रही है? सरकार महसूस नहीं करेगी तो उसको भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार महसूस नहीं करेगी तो उसको भुगतना पड़ेगा। कल पायलट साहब को जब मैं सुन रहा था वहां पर जहां से यात्रा शुरू हुई, वहां पर ये कहा गया पायलट साहब के द्वारा कि इतना जोर से नारा लगाओ कि अजमेर में खड़े हो जयपुर तक आवाज जाए। क्या लग रहा है जयपुर तक आवाज जा रही है? आवाज जा रही है, बोल रहे हैं। आज ही दिल्ली तक गई है और आज को आप पता कर लेना, दिल्ली में आज ही सभी हाईकमानों की मीटिंग हो रही है। आज मीटिंग हो रही है हाईकमान की, भाई क्या करना है, क्या करना है? जादूगर का जादू खत्म करना है या इनको करना है? क्या लगता है जादूगर? जादूगर का जादू खत्म होगा? जादूगर का इतना वर्चस्व नहीं है कि जितना पायलट साहब का वर्चस्व है। पायलट साहब हर युवा के दिल में बसे हुए हैं, हर एक युवा के दिल में बसे हुए हैं। ना चाहते हुए भी युवा अपने घर से निकल के आ रहे, सब काम सबको ताक में रखे, कुछ नहीं। हमारे को पायलट साहब चाहिए। अंधी बहरी गूंगी दिल्ली को याद दिलाने के लिए हम भरी दोपहर में जा रहे हैं जयपुर। कहाँ आला कमान है ही नहीं। अंधी बहरी इंदिरा गांधी कहा करती ना, अंधी बहरी दिल्ली है। वो गूंगी भी होगी, कुछ सुनाई नहीं देता आला कमान को। आला कमान नाम से है ही नहीं कांग्रेस में, आला कमान बीजेपी में है। हाथों हाथ फैसला लेती है, हाथों हाथ प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया। आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा एक्शन हो? हाँ, इसी एक्शन के बोले क्यों दिल्ली में भाई राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं और तमाम नेता साहब तो खुद आए थे प्रभारी बन के, उनको सब सारी बात का पता है। उसको थोड़ी बताना पड़ेगा, रिपीट थोड़ी करना पड़ेगा, उसके तो सामने हुआ सारा एपिसोड खड़के सी साहब के। तो कहाँ गई वो 25 तारीख को जो एपिसोड हुआ था उसकी रिपोर्ट खड़के साहब खुद लेके गया, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। रंधावा साहब ने पायलट साहब अनशन करने के लिए बोला था, तब रंधावा साहब ने यह कहा गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है।
जो भ्रष्टाचार बीजेपी का कर रहा था उसको उजागर करने के लिए पायलट साफ कर रहे थे, उसके बारे में बोला कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। और जब आज ये पायलट साहब को गद्दार बोला जो कुछ का, तो रंधावा साहब कह रहे हैं हमें पता नहीं, देखा नहीं है मैंने, कल की रिपोर्ट थी। कौन खेड़ा साहब हंस रहे थे, तो मजाक लगा मुझे तो हंसी। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैंने देखा, ये कोई तार चिट्ठी का जमाना थोड़ी है जो वो रंधावा साहब ने देखा नहीं, ये तो मीडिया का जमाना है, फोटो खींचा वहां हाथों हाथ जाता है। अब वो कह रहा है मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, देखता हूँ। कुछ नहीं करेंगे रंधावा साहब, यहाँ से सूटकेस लेके जाते हैं और मैडम को देख के आते हैं। इनका बस कौन मैडम? सोनिया मैडम को देख के सब कुछ सिस्टम सेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आला कमान कांग्रेस में कुछ नहीं है सिर्फ सूटकेस के अलावा, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी सारे पावरफुल नहीं है, कुछ नहीं है। सूटकेस का मामला है सिर्फ, ये काहे के प्रभारी नहीं है, काहे का कुछ नहीं है। सूटकेस अपना विश्वास जो पात्र आदमी होता है उसको यहाँ भेजा जाता है, वो सूटकेस से पहुंचा दे उसके पास। सूटकेस खाली पहुंचने भर का और कुछ नहीं है। रंधावा साहब के पास सुरजेवाला है, सिर्फ माकन साहब आए थे, जो एक्शन करने के मूड में थे उसको उठा दिया गया। अब वो ही देखते हैं जो अपना खासम खास विश्वास पत्र जो आदमी होता है उसको यहाँ भेज देते हैं, और वो सूटकेस पूरा का पूरा वहाँ ले जाके देते हैं, दूसरे किसी को भेज देते हैं, तो वो बीच में गड़बड़ कर देते हैं। जो विश्वास पत्र आदमी होता है वो यहाँ भेजा जाता है। सूटकेस से चल रही है, बस सिर्फ सूटकेस से चल रही है। दिल्ली और राजस्थानी यही एक सरकार है, राजस्थान कुछ नहीं होता। इधर से नहीं पहुँच रहा है क्या? यहीं से पूछा रहे हैं तो वही तो बात है। यहाँ कहाँ गहलोत साहब पहुँचा रहे हैं ना सूटकेस? गहलोत साहब सूटकेस प्रभारियों के माध्यम से पूछा रहा, और कुछ नहीं है। काहे का प्रभारी नहीं है, काहे की आला कमान नहीं है, सब कुछ खत्म है। आप पवन खेड़ा जी के बारे में बोल रहे हैं ना, वो हंस रहे थे, ऐसे में बैठ के हंस रहे थे। जरा उनको कहे यार 45 डिग्री में चल के दिखाए, फिर हंस के दिखाए, कैसे उनका उनका तो कोई जनाधार है नहीं, कैसे तपते हैं लोग यहाँ ऐसे में बैठ के, कोई भी हंस सकता है? अरे यहाँ 45 डिग्री में चल के और फिर हंस के दिखाए, कैसे चलते हैं लोग वहाँ ऐसे में बैठ के? कोई भी हंस लेगा? उनका क्या जनाधार है पवन खेड़ा जी का? क्या जनाधार आपसे पूछता हूँ मैं, ये तो सवाल बनता है। पायलट साहब के पीछे देखो, इस 45 डिग्री में भी कितनी पब्लिक लगी रहती है, जो भी प्रभारी बन के आए हैं यहाँ, जो भी प्रभारी बन के आए हैं राजस्थान में, वो कभी जनाधार वाले नेता नहीं। उन्होंने कभी, सुरजेवाला ने आज तक भी कोई चुनाव जीता ही नहीं, कभी भी नहीं जीता। तो क्यों ऐसे लोगों को सिर पे बैठा दिया जाता है? वो वही बात, उनके विश्वास पात्र हैं, उन पे विश्वास है, अपने सामान सुरक्षित पहुंच जाता है, उसी हिसाब से बैठे हैं। जनाधार वाला नेता कोई आया ही नहीं प्रभारी बनके। मुझे लगता है कि भाई राजस्थान में सरकार जनाधार वाले नेता थे, चुनाव लड़के जीते थी, दिल्ली में भी रहे थे कांग्रेस। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, एक सवाल आपसे, आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्या? देखिए हर किसी को लगता है भाई इस राज्य में सरकार आए, उस राज्य में सरकार आए, तो राजस्थान में रिपीट तो करने की भाई तैयारी होगी आपके हाईकमान की। क्यों वो लोग, क्योंकि ये जनता जो बोल रही है, ये बरसों से बोल रही है कि लगातार भाई की पायलट साहब हमको चाहिए, हम पायलट साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तब हमारे लिए बेहतर रहेगा। दिल्ली को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? दिल्ली को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है, मैं बताऊं आपको, इसमें विस्तार से बताऊं आपको जी। दिल्ली को ये समझ आ रही है, अगर आज मुख्यमंत्री पायलट साहब को बना देते हैं तो अपने युवराज की समस्या आ जाएगी, जनाधार वाले नेता हैं ये, दिल्ली पे कब्जा करेंगे पायलट साहब जाके। आज आप देख लेना, युवराज मतलब नाम पप्पू राहुल 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 गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी के बारे में ये सोच रही है। अगर ये आज इसको प्रपोजल कर देते हैं, गहलोत साहब अभी आला कमान की कुछ नहीं मानेंगे, आला कमान को ये पूरा विश्वास है कि अगर गहलोत साहब को अगर आज परिवर्तन के लिए बोलेंगे नहीं मानने वाले, उनकी गांधीवादी जो छाप है वो खत्म होगी 25 दिसंबर को। कि जो आपके राजस्थान की सियासत है उसमें आपके जादूगर चलते हैं, एक महारानी चलती है, उसके बीच में पायलट साहब कहाँ खड़े? महारानी का जादूगर का तो गठबंधन है, गठबंधन है, 5 साल तुम कर लो, 5 साल मैं कर लूं, उनके दोनों को बेटे हैं। इधर तो वैभव गहलोत, उधर दुष्यंत सिंह, दोनों के पार्टनरशिप में बिजनेस चलते हैं, जो बड़ी बड़ी डील होती है, कई पुल बनते हैं, दोनों के पार्टनरशिप में होते हैं, दोनों के पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं। भाई तुम ये 5 साल तुम आ जाओ, 5 साल में ना तुम्हारी जांच मैं करवाऊंगा, ना आपकी जांच मैं करवाऊंगा। और जनता है वो पायलट साहब के साथ में है, जो पायलट साहब ने सबकी आंखें खोली तो उसका भुगतान हर जाना उतना भुगतना पड़ेगा, या तो जांच करवा लो या बस। एक हमने कविता सुनी थी बचपने में, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोती खाता हूँ, अरे डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। क्या लगता है वो ठंडा पानी जो है वो छीन करके यहाँ पर पहुँच गया है, और वो जो तू चल मैं आता हूँ वाला सिस्टम चल रहा था, आपको उम्मीद है समाप्त होने वाला है? और जो गहलोत साहब जो प्रोग्राम को उद्घाटन करते भर रहे, वो पायलट साहब की देन है। अगर पायलट साहब 2018 में ये मेहनत नहीं करते तो गहलोत साहब आज उद्घाटन करते हुए नजर नहीं आते। सचिन पायलट के चेहरा पे सरकार बनी थी और चेहरा फिर गायब कर दिया। आगे भी सचिन पायलट का चेहरा नहीं होगा कभी, कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी।
देखो ऐसा आप कह रहे हैं, जनाधार नहीं है पायलट। गहलोत के नेतृत्व में अगर सरकार चुनाव लड़ाया तो 5 सीटें भी नहीं आएगी, मात्र 5 सीटें नहीं आएगी। पिछली बार पायलट साहब ने 2013 में अगर इतनी सीटें लानी थी गहलोत साहब उनके बेटे की तो सीट ले आते, उनके बेटे की सीट नहीं आई। बाबू की क्या जिताएगा, क्या रास्ता बेटे की सीट तो बचा नहीं पाया, वो खुद के बेटे की सीट बचाता तो कुछ बोलने के लिए जगह रहती। पायलट साहब के चेहरे पे बस वो कर दिया, पायलट साहब के चेहरे पे सीटें ले आया। पायलट साहब पार्टी भी बना, सरकार बनी है, पायलट साहब नई पार्टी भी बना लेते हैं तो भी स्पष्ट बहुमत आएगा। पायलट साहब के साथ 36 कोम साथ है, जाट गुजर मीणा कोई भी जाति ले लो, 36 कोम उनके साथ है। दूसरा पायलट साहब ने क्या जमीनी मेहनत की है, हर पंचायत में घूमे, ढाणी ढाणी घूमे, हर कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता से मिले, पहले सरकार लेके पायलट साहब हर पायलट साहब हर कार्यकर्ता से मिले, है ना, उनका सुख दुर्द पूछते। गहलोत साहब कहाँ गए, 3 बार गहलोत साहब रह गए, 3 बार उन्होंने किसी भी पंचायत पे टच नहीं किया, 15 साल में 20 साल में भी उन्होंने क्या किया, एक एक बार में पहले एक बार सीपी जोशी के नेतृत्व में आए सरकार, उनको निपटा दिया, मदेवना जी को निपटा दिया, उनको निपटा दिया, सचिन पायलट जी ने भी मेहनत की है ना अपनी, और मेहनत का वो फायदा कौन ले रहे हैं, गहलोत साहब। तो अब जनता समझ गई है कि अब ये फायदा गहलोत साहब को नहीं देंगे। अगर सचिन पायलट है तो कांग्रेस है, चेहरा घोषित पायलट नहीं है, नहीं है तो कांग्रेस खत्म। सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस खत्म। ओके, सचिन पायलट का चेहरा घोषित होगा तो कांग्रेस को वोट देने, कांग्रेस खत्म हो जाएगी राजस्थान में। हाँ, हिंदुस्तान में हम कहना चाहते हैं सचिन पायलट को 36 कोम को देना, 36 कोम का नेता चाहते हैं हम, हाई कमान को कहना चाहते हैं, हाई कमान को हाई कमान को कहना चाहते हैं तुरंत ही ये एस्टिमेट देख ले, पायलट साहब की जन संघर्ष जो यात्रा है वो देख ले और इसके ऊपर तुरंत निर्णय ले, क्योंकि गहलोत साहब के अंदर तो डावाडोल करके कांग्रेस को बिट्टा बिठाने में है। अगर जो है कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट का वजूद नहीं रहेगा ना तो उनका कोई भी एजेंट नहीं बैठेगा कांग्रेस का, पूरे ऑल राजस्थान में एजेंट नहीं बैठेगा कांग्रेस का, ऐसी हालत हो जाएगी अगर सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं रहेगा। कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कह रहे हो कि 36 कौम है, मैं 36 कौम के द्वारा ही मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। सबसे बोली जात है, सबसे विश्वास करने वाली बोली जात वो है गुजर जात, वो है गुजर जात, उसी का ही फायदा उठाया जाता है सिर्फ भोलेपन का ही। वो पायलट साहब गुजर साहब है तो बस उनका फायदा वो उठा रहे हैं, तो अब कब तक उठा लेंगे वो, कब तक उठा लेंगे, एक ना एक दिन तो उनको झुकना ही पड़ेगा। हर इंसान की सहन शक्ति तो होती है, जब 36 कौमों को साथ लेके वो चल रहे हैं तो उनको क्यों उनका पद नहीं, शक्ति मिलनी चाहिए उनको, पद तो देना चाहिए ना, मिलेगा तभी तो काम होगा। जब भी वो कोई काम की कहेंगे न तो उनके विधानसभा में उनको कोई काम के लिए कोई जो भी वो कुछ भेजेंगे सबको दरकिनार कर दिया। जनता जो है वो खरा सोना चाहती है और सोने और लोहे के बीच का अंतर समझ में आ गया है, ये यहाँ तमाम लोगों का कहना है। आप क्या सोचते हैं, और भी लगातार हम जो पूरी यात्रा चल रही है इसमें आपके साथ साथ रहेंगे, जयपुर तक पहुंचेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, किस तरीके से जन संघर्ष यात्रा जो सचिन पायलट की चल रही है और वहां पर क्या अंत में निकल के आता है, क्योंकि जनता भावुक है। जनता का सवाल यही है कि पायलट नहीं तो फिर रास्ता मुश्किल कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ की जनता के कहने का मतलब समझ में आया। आपकी राय क्या है, ये जो नारे लग रहे हैं इन तमाम को सुनिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, शुक्रिया।